जी मेरा मायका है, मैं यहाँ पे 20 साल से आंगनबाड़ी में भी रहती हूँ, लेकिन आज मैं ऋषिकेश से आई विशेष रूप से अपने इस घर को देखने के लिए। देखा नहीं जाता है, यहीं पे हमारा बचपना बीता है, सब कुछ हमारी माँ चाची भाई बहनों ने सबने बहुत मेहनत करी, और आज वो घर से वे ये खंडर को देखते हुए कुछ भी शब्द नहीं है हमारे पास कहने के लिए, आंसुओं के सिवा कुछ नहीं है। पूरी दीवारों में दो इंचेस के क्रैक्स हैं, और ये ऐसे क्रैक्स हैं जिनको रिपेयर नहीं किया जा सकता है। इस मकान की मालकिन जिनके जो अपने मायके में आई थी, जिनका आप देख सकते हैं, ये कह रहे हैं कि हमने इसे घर में खेला है कूदा है, ये जो है अपने माँ और पिता जी के घर में आ रखे, अपने मायके में आ रखे हैं। तो आप कहाँ से आए, आप देखते जोशीमठ में लोग अब अपने घरों को अंतिम बार देखने आए हैं। देखिए अपने मायके में यहाँ पर आई हैं रेखा जी हैं। रेखा जी, क्योंकि ये वाला जो दर्द हम महसूस कर सकते हैं, आपका मायका है? जी हाँ, मेरा मायका है यहाँ पे, अब मायका है, और यही हमारा बचपना बीता, यही मेरे भाइयों ने मेरी शादी की, तीनों मेरे तीन भाई हैं, उन्होंने अपनी यही जिंदगी भर की कमाई यही वो कर दी। मेरे बड़े भैया लोग अपने बच्चों को मिलने बाहर जा रखे, उन्हें अभी यहाँ का वो अभी यहाँ पे नहीं पहुँचे। ये वही घर है जहाँ पर क्रॉस निशान लगा दिए हैं, ये सामने देखिए, ये बहुत सारे ये प्राइज मिले हुए हैं, मेरे भाई के बच्चों के प्राइज है। आज इस तरह से छोड़ के जाना पड़ा उन्हें, वो मायके जा रखे, मायके भेज दिया गया, छोटे बच्चे हैं वो कुछ छोटे बच्चे हैं, इसलिए उन्हें मायके में भेज दिया गया है। मायके भेज दिया गया है, अच्छा। ये यहाँ तो बहुत सारी यादें आपकी जुड़ी हुई होंगी, यहाँ पर ये कमरा है, यहाँ पर देखिए ये यहाँ पर मंदिर भी है, तो यहाँ पर भगवान का मंदिर है। देखिए भगवान अभी यहीं हैं, लेकिन लोग यहाँ से जा रहे हैं। देखिए यहाँ पर देखिए भगवान तो यहीं हैं अभी, लेकिन आप भगवान तो ये अब भगवान भी जाएंगे, जब हम जा रहे हैं तो इंसान जा रहे हैं, हमारे भगवान भी तो जाएंगे। देखिए कितना दर्द है, और अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर चाहे भगवान हो, यहाँ के जो तमाम जो सामान पूरे कमरे में रखा हुआ है, यहाँ पर अभी बहुत सारा सामान है लोगों का जो पूरा नहीं ले जा पाए हैं अभी यहाँ से, हालांकि क्रॉस निशान लग गए हैं। ये वही घर है जो बाहर बल्लियों के सहारे जो नीचे वाले कुछ और घरों को खड़ा किया गया था। हमें तो अपने इस घर और इस जोशीमठ पे बहुत गर्व था, जहीं भी जाते थे हमारा जोशीमठ जैसा तो कोई जगह हो ही नहीं सकती है। देखिए आपके जो पितृ देवता है उनकी फोटोज भी आपने रखी हुई, मेरे पिताजी की फोटो है वो, मेरे हमारे पितृ देव। तो देखिए ये पूरा दर्द है, और रेखा जी हैं वो अब अपने मायके आई हैं, ये घर वो देख रही हैं यहाँ पर, लेकिन इस घर से जुड़ी हुई बहुत यादें हैं। वो बाहर प्राइज दिखा रही थी कि मेरे भतीजों को मिली हैं, ये दिखा रही हैं उनके पिताजी की फ़ोटो यहाँ मंदिर में लगी हुई है। तो अभी जो यहाँ पर आपके मायके वाले रह रहे थे, वो सभी लोग कहाँ हैं, वो अभी आए नहीं? मेरी माँ 80 साल की है, उससे बड़ी दीदी के वहाँ छोड़ दिया गया है, वो इस यहाँ रहने हालत में नहीं थी, इसलिए उन्हें पहले ही यहाँ से भेज दिया गया है। और मेरे एक भाभी अपने मायके चले गई, उनके छोटे बच्चे, और एक भैया भाभी बाहर जा रखे, अभी वो यहाँ पे नहीं पहुँचे, अब आने वाले हैं। हाँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड भी है यहाँ पर, बुजुर्ग लोग कैसे रहेंगे बुजुर्ग, और फिर ऐसी हालत में वो बाहर अंदर जा भी नहीं सकते, बाहर अंदर जा नहीं सकते हैं। देखिए ये दर्द जो है आप देख सकते हैं कि किस तरीके का दर्द है, और यहाँ से लोग अब आखिरी बार अपने घर को देखने आए हैं, क्योंकि उन्हें ये मालूम चल गया है कि अब इस घर में क्रॉस निशान लग गए हैं, ये घर टूट जाएगा, इस घर में जितनी यादें हैं वो अब उनको अंतिम सलाम, और अपने फ़ोटोज़ वो कैमरे में ले रहे थे अभी अपने घर की, ताकि कुछ यादें जो हैं अपने पास रह जाएँ। अपने अभी हम देख रहे थे जब रेखा जी यहाँ पर आए, तो उन्होंने तमाम जो फ़ोटो थी वो ले रही थी, और वो कितने भावुक हैं वो भी आप देख रहे हैं। कुछ सामान यहाँ पर है जिसको अब धीरे धीरे शिफ्ट किया जाएगा, लेकिन फिलहाल आप देख सकते हैं कि अपने एक आशियाने को जहाँ पर बचपन बीता हो, जहाँ पर पूजा पाठ के मंदिर अभी भी इसी तरीके से हैं,
और साथ ही अपनी जो तमाम यादें हैं वो आज कहीं ना कहीं इस ध्वस्तीकरण में ध्वस्त होती दिखाई दे रही हैं। इस वक्त मैं चमोली से जोशीमठ की तरफ जो रास्ता आता है उस रास्ते पर मौजूद हूँ। जब आप चमोली से जोशीमठ की ओर आएंगे, यहाँ पर देखिए ये माउंट व्यू होटल है और इसके ठीक बाद मलारी इन होटल है। यहाँ पर देखिए ये SDRF की टीमें यहाँ पर आ चुकी हैं। ये तमाम टीम जो है यहाँ पर SDRF की ये आई हुई है। पीछे से लेकर इधर से जो है जितने भी आगे की तरफ जो घर थे इधर आसपास जो है उन सबको खाली करने का आदेश दे दिया गया है। सभी घरों जो कई सारे लोग हैं, क्योंकि ये वाला होटल है आप देखिए, ये बिजली विभाग के कर्मचारी यहां पर इसके तार जो है हटा रहे हैं। अभी प्रक्रिया 11 बजे से शुरू हो जाएगी, जो डिमोल्शन की प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी। तमाम प्रशासनिक अमला यहां पर मौजूद है। आप देखेंगे पीछे की तरफ जितने भी घर हैं, ये जो होटल है इसकी तस्वीर मैं आपको दिखा दूं रोमाना, इसकी हालत क्या हो चुकी है अभी कुछ ही दिनों में। आपको मैं बताऊं, जब मैं पहली बार यहां आया था, पहले दिन जब मैं यहां आया था, तब इस होटल की जो दरार है, ये वाली दरार आप देख रही हैं रोमाना, जो तस्वीरों के जरिए मेरे सहयोगी मनीष उनियाल आपको दिखाएंगे, इस होटल की दरार सिर्फ एक उंगली मेरी जाती थी। आज जो है इस पूरे जो इसकी बुनियाद में जो है पूरा मेरा पैर इस तरीके से घुस रहा है। ये सिर्फ 4 दिन के अंदर रोमाना इसकी हालत ऐसी हो गई है, 4 दिन के अंदर धसकते हुए ये पीछे की तरफ जा रहा है। ये दो होटल हैं, ये वाला माउंट व्यू है और इधर राइट हैंड साइड में मलारी है। आप देखिए इनके ऊपर से दीवारें जो है दोनों होटलों की मिल चुकी हैं। इनके बीच जो गैप हुआ करता था वहां पर जो है इसकी दरारें यहां पर जो जिस तरह से आ रही हैं, उसके बाद ये दोनों होटल की बिल्डिंग जो है मिल चुकी है। इधर की तरफ मैं आपको दिखाऊं, क्योंकि जब ये होटल गिरेंगे तो कहीं ना कहीं इसकी बुनियाद जो गहरी बुनियाद है वो इन इमारतों को भी इफेक्ट कर सकती है। इसलिए यहां भी रेडमार्क लगा दिया गया है और यहां से लोगों को खाली करने के लिए कह दिया गया है। आसपास जो है लाउड स्पीकर से अनाउंसमेंट किया गया था, जिस तरीके से लोग जो हैं सभी यहां से खाली कर दें। और दूसरी तरफ की मैं तस्वीरें आपको दिखा दूं रोमाना, इधर ऊपर की तरफ जहां इसके पीछे की आबादी कितनी है वो तस्वीरों के जरिए मैं आपको दिखाऊंगा। यहां पर तमाम लोग जो है, ये रास्ता जो जाता है ये चमोली की तरफ रास्ता जाता है रोमाना, यहां SDRF की टीम तैनात कर दी गई है। अब पीछे की तरफ यहां काफी ज्यादा आबादी है, ये सारी जो इधर के पूरे यह रास्ता खाली करवा दिया गया है। पीछे यहाँ पर प्रशासन की तमाम टीमें आई हुई हैं, सभी ये मुआयना कर रही हैं, क्योंकि इतनी बड़ी इमारत है जब गिरेगी तो कई अन्य घरों को जद में ले सकती है। पीछे की तरफ की तस्वीरें मैं आपको दिखाता हूँ, बिजली विभाग के कर्मचारी जो है यहाँ पर तार इसके हटा रहे हैं। यहाँ आप देखिए, यहां से जो ये होटल है इसके नीचे की तस्वीर आप देखिए, यहाँ धीरे करके हम आपको चलते दिखा रहे हैं। ये यहां से इस होटल के पीछे की जद में देखिए कितने सारे घर यहां पर हैं। यहां से आप देखेंगे ये माउंट व्यू होटल है और इसके पीछे के जो है यहाँ इतने सारे घर हैं इसके जद में हैं। अगर पीछे की तरफ से मैं दिखाऊं तो ये पूरा टिल्ट हो रहा है, पीछे की तरफ ये होटल टिल्ट हो रहा है और यहाँ जितने घर हैं ये कई सारे घर सभी को अपनी जद में लेगा। अभी यहां पर SDRF की टीम ने सभी लोगों को खाली करने के लिए कह दिया गया है। देखिए CBRI की टीम यहां आई थी, मेरी जो DM से बात हुई है, उन्होंने कल इसका जायजा लिया था, क्योंकि इतनी बड़ी इमारतें हैं, दो बड़ी बड़ी इमारतें हैं, एक साथ ब्लास्ट करके गिराएंगे, किस तरीके से गिराएंगे अभी कुछ नहीं कह सकते वो। जब एक्सपर्ट की टीम आज फिर से आएगी, CBRI की टीम, वो अपना सजेशन देंगे, उन्हीं के सुपरविजन में इस पूरी प्रक्रिया को शुरुआत किया जाएगा। वो आएंगे, वो बताएंगे, एक्सपर्ट की टीम है, किस तरीके से इसको डिमोल्शन किया जाएगा। अभी इसको लेकर के तस्वीर साफ नहीं हुई है। DM ने जो मुझे जानकारी दी थी कि CBRI की टीम के सुपरविजन में ही पूरी प्रक्रिया होगी। मैं बताऊं, यहां पीछे की तरफ जो है ये नीचे से SDRF की टीम आपको दिख रही होंगी, सभी घरों में अभी जो है एक एक घर का जायजा लेकर जा रही है, क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनका कहना है कि आप देखिए दो छोटे बच्चे वहां पर खेलते हुए नजर आ रहे हैं उस छत पे, वहां नीचे जो है SDRF की टीमें हैं। सभी घरों में, नीचे के एक एक घर में पहले प्रक्रिया ये की जा रही है कि पुलिस की टीम और SDRF की टीमें हर एक व्यक्ति को, आप देखिए वो पुलिस की टीम जो है उस घर में वहां पर जा रही है, हर एक घर जो पीछे की तरफ एक एक घर का मुआयना कर रहे हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो अपना घर छोड़ने को तैयार नहीं है, कुछ लोग ऐसा वो उनका कहना है कि हमें जब तक जो है जो जिस तरीके से एक भावुक पल उनके लिए, आप देखिए वो SDRF की टीम जो है ऊपर गई है, उन बच्चों को जो है नीचे जाने के लिए कहा जाएगा। यहां से एक एक घर में ये सब जा रही है, टीमें जा रही है, उनको समझाया जा रहा है कि आप इसलिए यहां से हट जाइए, क्योंकि जब ये प्रक्रिया शुरू होगी किसी को नहीं पता कि कितने नुकसान ये बिल्डिंगें जो है नीचे की तरफ पहुंचाएंगी। तो
पहले जो है सभी एक एक घर में जाकर के जो पुलिस प्रशासन है और जो एसडीआरएफ की टीमें हैं वो सभी लोगों को मना रही हैं, सभी लोगों से कह रही हैं। कुछ लोग जो है जिद कर रहे हैं क्योंकि वो खाली नहीं करना चाहते। उनका कहना है कि हमारा सामान जो है पहले यहाँ से विस्थापित किया जाए, क्योंकि लोगों को विस्थापन के लिए जगह प्रोवाइड की गई है। कुछ वो छोटे कमरे हैं, बस उनकी जान माल का नुकसान ना हो, तो इसलिए जो है उनके सिर्फ रहने के लिए जो है, क्योंकि जिंदगियों का सवाल है। सबसे पहले जो प्राथमिकता है कि सब जिंदगियां बचाई जाएं, उसके बाद जो है बाकी इसमें काम किए जाएंगे।